राज्य के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए धनराशि देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री के रूप में 100 दिन पूरे होने पर उद्धव ठाकरे अयोध्या में दर्शन करने पहुंचे हैं। साथ में उनके बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे भी हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि आरती में शामिल होने की इच्छा थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से नहीं जा सकता। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यहाँ रामलला का आशीर्वाद लेने आए हैं। पिछले 1.5 सालों में यह तीसरा दौरा है। उद्धव ठाकरे रामलला के दरबार में माथा टेकेंगे, लेकिन उद्धव ना तो सरयू आरती करेंगे और ना ही किसी प्रकार की जनसभा होगी। कोरोना वायरस के खतरे को लेकर दोनों कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। शिवसेना प्रवक्ता एवं राज्यसभा सदस्य संजय रावत ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री भी आह्वान कर चुके हैं। गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी हो चुकी है। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल भी चुके हैं। लेकिन हमारी ओर से, हमारी ट्रस्ट की ओर से 1 करोड़ रुपए की राशि मैं मंदिर निर्माण के लिए आज घोषित कर रहा हूँ और मैं विनती करता हूँ बड़े विनम्रता के साथ, जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, ट्रस्ट के जितने सारे महानुभाव हैं, उनको विनती करता हूं कि ये हम राम भक्त इस मंदिर निर्माण के लिए अपना एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं, उसका वो स्वीकार करें। और मैं, मेरे महाराष्ट्र सरकार की ओर से यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, कल परसों ही कल ही मेरी बात हुई, उनको भी मैं विनती करता हूँ कि मंदिर तो जरूर बनेगा, हम सब मिलकर बनाएंगे, वो तो बात अलग है, राम भक्त मंदिर बनाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र से काफ़ी सारे राम भक्त यहाँ जब भी आएंगे तो उनको रहने के लिए मैं योगी जी को एक विनती करता हूँ कि अगर वो यहाँ एक जगह हमें दे दे तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र भवन का भी निर्माण हम यहाँ करेंगे। ये मंदिर तो सबके लिए रहेगा और मंदिर तो ऐसा बनेगा कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व ये मंदिर कैसा है, कैसे बन गया, वो देखने के लिए आए, ऐसी मेरी इच्छा है। और जैसे मैंने पहली बार आपके साथ बात शुरू करते हुए कहा था कि तीसरी बार मैं यहाँ आया हूँ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.